तो अभी हम चल रहे हैं माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री। यहाँ पर एंटर हो चुके हैं, ये देख लो भाई बुद्ध। तो गाइस देख सकते हो माइंड रोलिंग, और ये सारे जितने भी ये सारे माइंड रोलिंग है। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो भाई पूरी मॉनेस्ट्री भाई, देख सकते हो। तो मेरे सामने भी देख सकते हो आप लोग किस तरीके की बिल्डिंग है, और ये पूरी जो है भाई बुद्ध भगवान की है। तो गाइस ये वाली बिल्डिंग आप लोगों ने चेक करी, और एक सामने एक स्टैचू और है भाई देख लो। यहाँ पे एक मर्सिडीज खड़ी है भाई, बहुत पुरानी है, HP नंबर है। लंच करने के लिए तो अपने मोमोज वगैरह खाते हैं भाई। तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएलएसी ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं आ रखा हूँ तिब्बत मार्केट देहरादून, और जो कि भाई अभी हम लोग जा रहे हैं भाई बुद्धा टेंपल। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री। तो अभी उसके लिए भाई हम लोग आ रखे थे वहाँ से, मतलब रिक्शा आता है गाइस, तो वो आपको उतार देगा, फिर आपको थोड़ी सी वॉकिंग करनी होगी। तो 2 मिनट की वॉकिंग है गाइस। तो अभी हम चल रहे हैं भाई, और मेरे को दिखने लग गया यहाँ से सोने लग गया। अभी आप लोगों को भी विजिट कराएंगे और दिखाएंगे। और यहाँ पर आने के लिए भाई आपको सबसे पहले तो ISBT से रिक्शे मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों से 10-15 रुपए लेंगे यहाँ पे आने के लिए, और उसके बाद जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी हम तिब्बत मार्केट से होते हुए आए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री। हाँ भाई दिख गया दिख गया। इन लोगों को आप लोगों को भाई पूरा एक्सप्लोर करके एक चीज़ दिखाएंगे ना। यहाँ देख सकते हो भाई तिब्बत मार्केट में आपको ऐसा सामान मिल जाएगा, देख लो मफलर वगैरह और तिब्बत के जो सामान होते हो भाई, कितने प्यारे प्यारे फूल है। ऐसा लग रहा है भाई लद्दाख या चाइना में घूम रहे हैं हम लोग। तो अभी देख लो भाई मॉनेस्ट्री यहाँ से दिखने सो चुकी है, और ये चेक करो भाई। ये देख लो भाई, तो अभी हम जो है भाई यहाँ से एंटर हो गया, पूरा ऐसा फील आ रहा है भाई लद्दाख में है ना भाई ध्रुव। भाई ऐसा इटेल लग नहीं रहा बिल्कुल कि चाइना में हम लोग। और मैं जब पूरे मार्केट में एंटर हुए थे ना हम लोग, भाई बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था भाई सही में चाइना के अंदर या जापान के अंदर घूम रहे हैं। क्योंकि तिब्बत मार्केट जब पड़ी ना भाई, वहाँ सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ। एक एक चीज़ जब जाते टाइम भी आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएंगे, मार्केट वाली दिखाएंगे। और अभी जो आपको देख सकते हो भाई मेरे सामने बुद्धा स्टैचू है, वहाँ एक स्टैचू नहीं है गाइस, कम से कम 3 स्टैचू है। पूरी जो ये पूरा एरिया है ना, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर एंटर हो चुके हैं, ये देख लो भाई बुद्धा स्टैचू है, मस्त लग रहा है ना, काफ़ी बड़ा है गाइस। ये अराउंड ये 3 मंजिल का तो होगा, 3-4 मंजिल का से ज़्यादा का है, देख लो। और फ्लावर्स देख लो भाई, इतने प्यारे प्यारे फूल है ना भाई, जो कि इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे को। वही देख लो पूरी माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री, देख लो इसे कहते हैं। काफ़ी यूनिक है गाइस ये वाला तो। ध्रुव भाई घुमाएगा, घुमा गाइस ये बहुत लंबा है। बाकी एक बार ये चेक कर लो भाई स्टैचू बुद्ध भगवान का, और यहाँ फ्लावर्स चेक करो भाई एक बार। फ्लावर्स हर जगह मिल जाएंगे आप लोगों को भाई देहरादून के अंदर। एक स्टैचू वहाँ पर भी है, वो देखो भाई, वहाँ पे भी चलेंगे पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी एक सामने एक बहुत बड़ा देख सकते हो स्टैचू है, और एक वहाँ रोलिंग बड़ा वाला वहाँ पर भी है। आप लोगों को सनलाइट पड़ रही है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। बाकी भाई स्टैचू बहुत बड़ा है, बाकी हो सके तो हम देखते हैं, दिख जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर सूरज छुप जाता है तो ये दिख जाएगा, हाँ आप दिखेगा इस आप लोगों को अच्छे से। ये देख लो भाई कितना बड़ा है। फाइनल जो हम आ चुके हैं भाई मॉनेस्ट्री के अंदर, आप लोग देख सकते हो भाई माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री। यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन भाई देखो ना ऊपर कितना भाई बड़ी बिल्डिंग है भाई, बुद्ध भगवान की स्टैचू है। और यहाँ पर भी देख सकते हो भाई कितनी, ये भी रोलिंग वाला ही है, इसको भी रोली करते हैं ना, ये घूमता भाई। और एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे स्टैचूज हैं भाई। यहाँ पर ये भी है देख लो, सारे जो भाई मैंने घुमा दिए। ओ वाओ भाई, जो मेरे को फ्लावर दिख रहे हैं ना इतने अमेजिंग अमेजिंग, उसकी मैं तारीफ क्या ही करूँ। ये देख लो भाई, ये गाइस इतनी प्यारी ब्यूटी है ना यहाँ पर, तुम सोच नहीं सकते भाई। ये वाला विजिट तो जरूर करना भाई घर पे ना हो तो। ये चेक करो, अमेजिंग भाई अमेजिंग चीज है।
तो गाइस देख सकते हो माइंड रोलिंग, और ये सारे जितने भी ये सारे माइंड रोलिंग है, और हम घूम रहे हैं अभी माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री के अंदर वीडियो के लिए आपके लिए आ रखे हैं भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से, क्योंकि सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है, और आपके लिए हम ऐसे ऐसे ब्लॉग लाते रहेंगे। ये मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये है भाई बुद्धा स्टैचू, बहुत बड़ा है ये, अभी आपको फ्रंट से एक और बार दिखाएंगे। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो भाई पूरी मोनेस्ट्री, भाई देख सकते हो बुद्ध भगवान की, मेरे को नहीं दिख रही होगी क्योंकि सन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है भाई मेरे साइड, इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा आप लोग को। बाकी मैंने आप लोग को जितना दिखा सका उतना दिखा दिया। ये है भाई माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री पूरी, अभी एक जगह और चलना है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। भाई अब चल रहे हैं भाई दूसरी मोनेस्ट्री के साइड, क्योंकि यहाँ पे जो है दो मोनेस्ट्री, एक दूसरी साइड थे एक दूसरी साइड थे, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी काफ़ी बड़ी ही बिल्डिंग है, वो भी मेरे को सामने से दिख रही है। आप लोग अभी दिखाते हैं किस तरीके की है। ये सारी चीज़ें जो है एक ही तरफ मिल जाएंगी आपको, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री आप किसी को भी बोल दो और यहाँ पर आ सकते हो। और आप कहीं दूर से आ रहे हो भाई तो ISBT पहुँचना है आपको, ISBT से भाई रिक्शे वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। और फेमस किस नाम से गाइस, ये बुद्धा टेम्पल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये पूरी मोनेस्ट्री। तो मेरे सामने भी देख सकते हो आप लोग किस तरह की ये बिल्डिंग है, और ये पूरी जो है भाई बुद्ध भगवान की है। और यहाँ पे जितने भी है ना, ऐसा फील होता है कि भाई हम लोग आ रखे हैं चाइना के अंदर, तो पूरी चाइना जैसे होम वगैरह भी आप लोगों को दिख जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो पूरी तिब्बत चाइना, ऐसे ही ये पूरा फील कराता है आप लोगों को। और ये पूरे बुद्ध भगवान की मोनेस्ट्री आप सामने देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एक और दिखाई, अभी दूसरी है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज, ये चेक करो आप। और इसके बारे में गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ किस तरीके का है। बाकी यहाँ देख लो, और इसके बिल्डिंग के बारे में यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे देख लो भाई, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है गाइज, देख लो। और मोनेस्ट्री पूरी ऐसा फील कराती है कि हम चाइना या फिर तिब्बत के अंदर जो है घूम रहे हैं। और ये पूरा चेक कर लो, वाओ, और गाइज ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई टिकट नहीं है बिल्कुल भी, आप आओ घूमो आराम से फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ आ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई घूमने के लिए। तो गाइज ये वाली बिल्डिंग आप लोगों ने चेक करी, और एक सामने एक स्टैचू और है भाई, देख लो ये, चेक करो भाई आप लोगों, मुझे पता नहीं है आप लोगों को किस तरीके से दिख रहा होगा, क्योंकि सनलाइट जो है भाई सामने से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मे बी आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख पा रहा होगा। बाकी मैं अपना पूरा ट्राई कर लूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। और देहरादून का वेदर काफ़ी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, शाम के टाइम पे ठंड हो जाती है, बाकी अभी तो नहीं है गाइस, अभी तो नॉर्मल है, अभी आप टी शर्ट शर्ट के अंदर भी घूमने आ सकते हो। ये देखो गाइस, गाइस यहाँ से देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे पता नहीं है गाइस ये क्या है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना, मुझे बहुत सारे राक्षस जरूर दिख रहे हैं यहाँ पर भाई। और इसके अंदर भाई क्या है, एक बार चेक करते हैं, इसके अंदर गाइस दीप चल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरे सामने भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे एक मर्सिडीज खड़ी है भाई, बहुत पुरानी है, HP नंबर है, और देख सकते हो भाई। तो मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ भाई इसके बारे में, भाई इतनी प्यारी लग रही है ना मर्सिडीज गाइस, चेक करो। और उसके अंदर कोई बैठा भी है, वो देख लो भाई, उनकी पेंटिंग है, ये इनकी होगी मर्सिडीज शायद। वाओ, बैक लुक देख लो गाइस मर्सिडीज का, काफी अच्छा लग रहा है, और पूरी मेंटेन है, कंडीशन काफ़ी अच्छी है भाई इसकी। तो अभी हम चल रहे हैं भाई बाहर की साइड, बाकी और भी चीज़ें हैं भाई देख सकते हो आप लोग। तो भाई इस साइड देख सकते हो पूरा ओपन एरिया है, यहाँ पे भाई सीटिंग एरिया काफ़ी अच्छा बना रखा है बैठने उठने के लिए, सारे लोग जो भी बैठे हुए हैं अपना इन्जॉय कर रहे हैं। बाकी भाई अभी तो धूप है, अगर शाम के टाइम यहाँ आओगे ना भाई इतना, या मॉर्निंग टाइम पे आओगे, इतनी नेचुरल ब्यूटी दिखेगी आपको, इतना मज़ा आ जाएगा ना गाइस आप सोच नहीं सकते। बाकी अभी इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ पर, देख लो। और बाकी मेरे सामने ये एक और बिल्डिंग बुद्ध भगवान की देख सकते हो, काफ़ी बड़ा स्टैचू है,
यहाँ पर भी फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो अभी चल रहे हैं गाइस हम बाहर की साइड, हमने ये वाला पूरी चीज़ जो एक्सप्लोर कर ली, अच्छे से आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आपको आना है यहाँ पर तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को ISBT से भाई यहाँ से आपको मैजिक टेम्पो जो चलते हैं वो मिल जाएंगे आपको 10 से 15 रुपये में, आपको वहाँ पहुँचा देंगे। आपको बस इतना बोला है, हमें बुद्धा टेम्पल जाना है, बुद्धा टेम्पल के यहाँ बॉडी बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ से आप 2 मिनट की वॉकिंग पर यहाँ पर आ सकते हो। तो अभी गाइस हम मार्केट के अंदर है, इस मार्केट का नाम है तिब्बत मार्केट, आप देख सकते हो भाई पूरी आपको तिब्बत जैसे ही लोग मिलेंगे, सारे रेस्टोरेंट सारे वैसे ही मिलेंगे और सारा देख लो चाइनीज़ में लिखा हुआ है पूरा भाई, चाइना को लेकर, जिस चाइना को लेकर ही पूरा ट्रेडमिल जो अपना है उसको निभाते हैं, उसको ही फॉलो करते हैं, देख सकते हो भाई। अभी हम चल रहे हैं भाई लंच करने के लिए। तो गाइज हम आ चुके हैं भाई लंच करने के लिए, आप देख सकते हो पूरा यह मेन्यू, हम ज़्यादा कुछ नहीं मंगवा रहे भाई, मोमोज मंगवा रहे हैं अभी तो, हम ज़्यादा बुक है नहीं, पीछे भी देख सकते हो बाकी ये पूरा रेस्टोरेंट देख लो भाई, मोमोज भाई देख सकते हो अपने, हम मोमोज वगैरह खाते हैं भाई, भाई खाओ। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को खाने के बाद। सो गाइस मोमोज वगैरह खा के भाई आ चुके, मोमोज काफ़ी टेस्टी थे भाई, मज़ा आ गया भाई मोमोज खाने में। तो अभी चल रहे हैं भाई बाहर की तरफ, रिक्शा वगैरह लेते हैं। और अभी जो मेरा ये मार्केट है भाई, ये वही मार्केट है तिब्बत मार्केट जो बहुत ज़्यादा फेमस है भाई यहाँ की, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री बुद्धा टेम्पल। गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई ISBT की तरफ और रिक्शा घर, और ये साइड आप लोगों को ये वाला ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करके भाई मेरे को सारी डिटेल्स इसके बारे में, इस जगह के बारे में बताना, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स तो मेरी तरफ से मिल ही जाएंगी, आप कमेंट करके अपनी साइड से भी मुझे डिटेल देना, इसके बारे में बताना। तो मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में, अभी ले बाय बाय, चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाय बाय।